पेरिस ओलंपिक का भव्य आगाज हो चुका है। सीन नदी के किनारे होगी ओपनिंग सेरेमनी। इसके अलावा ओलंपिक में भारत ने भेजा है 117 खिलाड़ियों का दल। खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक का भव्य आगाज आज से शुरू हो रहा है। पेरिस 2024 ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी सीन नदी के किनारे आयोजित होगी। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है। इन 117 सदस्यों या फिर कहा जाए कि 117 खिलाड़ियों के दल में तीन खेलों में ही आधे खिलाड़ी शामिल हैं। एथलीट्स में 29, निशानेबाजी में 21 और हॉकी में 19 खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। इन 59 खिलाड़ियों में से 40 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। ओलंपिक इतिहास में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम के अंदर आयोजित नहीं हो रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है इतिहास में। आपको बता दें कि अब से पहले जब भी सेरेमनी का आयोजन किया जाता था वो स्टेडियम के अंदर ही होता था, लेकिन इस बार सेरेमनी का आयोजन ओपनिंग सेरेमनी सीन नदी के किनारे होगी, जो इस बार सबसे खास रहने वाली है। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। ऐसे में ये 128 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन खेलों में हिस्सा लेने वाले देशों की पारंपरिक परेड सीन नदी के किनारे होगी, जो पेरिस के बीच से होकर बहती है। उसी नदी के किनारे ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके अलावा ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी पहुंचे हैं। इनमें से तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार पेरिस ओलंपिक का हिस्सा बन रहे हैं।